बॉयल आलू से बहुत टेस्टी नाश्ता बता रही हूँ। चार बॉयल आलू लेंगे, अच्छे से उसको मैश कर देंगे। उसमें जितना तीखा आपको चाहिए हरी मिर्च काट के और नमक डालेंगे। ये चार आलू का बता रही हूँ, उसमें हम 3 से 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स डालेंगे। फिर अमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा ये धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 4 टीस्पून हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से साल लेंगे। हमारा पोटैटो का बॉस पोटैटो डो एकदम अच्छे से सन गया है। अब इसको हम किसी भी फ्लैट सरफेस पे रख के बेल लेंगे। ठीक, किसी भी फ्लैट सरफेस पे चाहे चकले पे ग्रीसिंग कर लेंगे ऑयल से, फिर हम ये करेंगे तो आराम से हमारा निकल जाएगा। इस तरह से बेलने के बाद हम कॉर्नर को किसी भी नाइफ से इस तरह सेट कर देंगे ताकि सब ओर से एकदम बराबर सेट हो हमारा, और देखने में भी अच्छा लगे और खाने में तो टेस्टी होता ही है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसको जिस शेप में चाहे आप काट सकते हैं, मैं इस तरह से काट रही हूँ। फिर अलग करके हम इस तरह से काट लें, आप जो चाहे उस शेप में काट सकते हैं। मैं इस शेप में काट रही हूँ, आपको कोई अदर शेप चाहिए वो अदर शेप में काट लीजिए। और 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में हम ढक के रख देंगे तो अच्छे से टाइट हो जाता है और फ्राई करने में भी टूटेगा नहीं। फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, जितना आपको तेल चाहिए फ्राई करने के लिए, जिस क्वांटिटी से बना रही हूँ उसी हिसाब से आप तेल लीजिए। और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हम टेम्परेचर एकदम बंद कर देंगे, चाहे गैस बंद कर देंगे। और जब तेल का टेम्परेचर हल्का कूल हो, तब जब कूल हो जाए तब हम डालेंगे तो फटेगा नहीं और ना टूटेगा हमारा ये नाश्ता। हम एक एक करके डाल के इसको डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, एक साइड जब ब्राउन हो जाए गोल्डन ब्राउन, तब फिर हम पलट के दूसरे साइड भी गोल्डन ब्राउन करेंगे। हमारा एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारा आलू का फटाफट से नाश्ता बनके तैयार है। एक बार ट्राई कीजिएगा, ज़रूर पसंद आएगा।